आपको एक बड़ी सस्ती और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ। सांबा श्रीनगर हाईवे से टॉप सिटी विजिट करके आया, मुमताज सिटी मैंने विजिट की और 18 मैंने विजिट की। और अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो जमर वैली के अंदर ये प्राइम मार्केट प्लाजा, आज से 1.5 साल पहले हमने ये प्लाजा शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये डिलीवर होने की पोजीशन में है। यहाँ से हमारे जमर की आबादी बैठती है मेट्रो के ऊपर, इस्लामाबाद में घूम के वापस मेट्रो यहाँ ही उन्हें उतारती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं इंजीनियर फैसल फयाज, आज मैं अपनी रिसर्च की बेस पे आपको एक बड़ी सस्ती और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे से टॉप सिटी विजिट करके आया, मुमताज सिटी मैंने विजिट की और 18 मैंने विजिट किया और उसके बाद श्रीनगर हाईवे के ऊपर तबलीगी मरकज के बिल्कुल साथ जमर वैली वाकया है। और जैसे पुराने लोग सारे मुझे जमर वैली के हवाले से ही जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है 2-4 साल पहले, अगर अभी वो हमें बेचने के लिए कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें प्रॉफिट के साथ सेल करके देते हैं, इसलिए लोग हमें अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे में मुल्की हालात डाउन होने की वजह से लोगों को प्रॉपर्टी बेचने की बड़ी अशद जरूरत पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह जमर वैली में हमने 2-2.5 साल पहले जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाई है, अगर अभी वो हमें बेचने के लिए कहते हैं तो हम खुशी के साथ उनकी प्रॉपर्टी सेल करते हैं। अगर आप सस्ते अपार्टमेंट चाहते हैं, क्योंकि टॉप सिटी, मुमताज सिटी और 18 इतना महंगा हो चुका है कि हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो जमर वैली के अंदर ये प्राइम मार्केट प्लाजा, आज से 1.5 साल पहले हमने ये प्लाजा शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये डिलीवर होने की पोजिशन में है। यहाँ आपको अभी भी रेडी अपार्टमेंट जो फौरी रेंट पे लगा सकते हैं या जहाँ आप खुद रह सकते हैं, 1 बेड अपार्टमेंट आपको 30 से 35 लाख रुपए का मिल जाएगा, जिसमें 50% आपने डाउन पेमेंट अदा करनी है और बाकी पैसे आप एक साल में अदा करें। और सबसे अहम बात यह है, जो समझने वाली बात है, अक्सर लोग अपार्टमेंट में या दुकानों में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि प्रॉपर्टी वो होती है, दुकानें अपार्टमेंट वो होते हैं वो जो रेंटेड इनकम आपको दे। जमर वैली के अंदर रेंटेड इनकम बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी अच्छी होने की एक ही रीजन है कि एक तो जमर वैली की लोकेशन बड़ी अच्छी है, जमर वैली के सामने मेट्रो गुजरती है, हाली गुजरती नहीं, यहाँ से हमारे जमर की आबादी बैठती है मेट्रो के ऊपर, इस्लामाबाद में घूम के वापस मेट्रो यहाँ ही उन्हें उतारती है। बताने का मकसद ये है कि जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद है वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, जमर वैली के पूरे सराउंडिंग में आबादी है, पीछे आई 16 फ्रंट के ऊपर G15 G16, लेफ्ट साइड के ऊपर 18 तबलीगी मरकज, कि ये उस लोकेशन के ऊपर मौजूद है कि जहाँ रेंटेड इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है। कि ऐसे नहीं होता कि आपने कोई अपार्टमेंट लिया या दुकान लिया वो आपकी रेंट पर ना लगे, इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जमर वैली में विजिट करें। और मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि लोग बड़ी बड़ी दूर से हमारी वीडियो देख के आते हैं, कुछ बाइक कराची से बड़े लोग आते हैं, लाहौर से, फैसलाबाद से भी बड़े लोग आना शुरू हो गए हैं। तो बताने का मकसद ये कि अगर आप इतनी दूर से आएंगे, मेरी इन बातों में आपको 1% भी हेर फेर नज़र नहीं आएगा कि मैं शायद अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा बातें बता जाऊँगा, और जब आप मौके के ऊपर आएंगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये सारी बातें मैं जिम्मेदारी से करता हूँ ताकि हमारी गुडविल खराब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह समर वैली के अंदर हम 2016 से आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं। ये प्लाजा हमारी गुडविल शो करता है कि 1.5 साल पहले शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह किस्तें अभी भी लोगों की साल की रहती हैं और ये डिलीवर हो चुका है। तो इसलिए अगर आप महंगी प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकते, अक्सर लोग कहते हैं कि आप जमर वैली को 18 के साथ कंपेयर करते हैं, हम जमर वैली को 18 के साथ कंपेयर नहीं करते। अगर आपके पास 1 बेड अपार्टमेंट लेने के लिए 2 करोड़ रुपया है तो आप जाएं 18 में। अगर आपके पास 30-32 लाख रुपया है 1 बेड के लिए तो आप जमर वैली में आए। देखिए अल्लाह ने हर तरह की महलूक बनाई हुई है, अल्लाह ने हर तरह का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। देखिए हम कहते हैं इस्लामाबाद बहुत महंगा है, इस्लामाबाद में अभी भी ऐसी आबादी है जहां लोग महीने में 25,000 रुपये में गुजारा कर लेते हैं, और वही इस्लामाबाद इतना महंगा है कि 5-6 लाख में भी लोगों का गुजारा नहीं होता। तो बताने का मकसद ये आप ना कमेंट्स में ये गिला ना किया करें कि मैं इसको 18 से या टॉप सिटी से कंपेरिजन करता हूँ। कंपेरिजन मैं नहीं करता, मैं ये बताता हूँ कि देखिए आप खुद देखें, अगर 1 1 बेड अपार्टमेंट आपको 1.5-2 करोड़ रुपये का मिलता है तो जमर वैली में आपको 4 मरला प्लाट 40 लाख रुपए का मिल जाता है, आप ऊपर 1 करोड़ रुपये लगा के अपना प्लाजा क्यों नहीं बना लेते हैं? वहाँ आपने 1.5 करोड़ रुपये लगा के 70,000 या 50,000 रेंट लगाना है, जहाँ आप 2 करोड़ रुपये लगा के अपना प्लाजा बना सकते हैं। तो लोकेशन सेम है, डेवलपमेंट भी अच्छी है, रोड, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, हर चीज़ कम्प्लीट है। फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, इसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं है।
और एडवर्टाइजमेंट ना होने की भी एक ही रीजन है कि यहाँ जो डीलर हजरात हैं उन्हें उस लेवल की कमीशन नहीं बचती। यहाँ सारा एंड यूजर है, यहाँ वो लोग हैं जिन लोगों ने घर बनाने हैं, यहाँ कमर्शियल उन लोगों ने लिया है जिन लोगों ने प्लाजे बनाने हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप दमन वैली का विजिट करें, जब विजिट करेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। बाकी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इंशाअल्लाह।